नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया महिंद्रा अर्जुन 555 अल्ट्रा वन, महिंद्रा का सबसे कामयाब मार्केट के अंदर जिसकी लुक का बोलबाला है और शानदार शाइनिंग और एकदम खूबसूरत लुक के साथ काफ़ी किसान भाइयों को पसंद आने वाला ट्रैक्टर, जो महिंद्रा का इस ट्रैक्टर को रिजेक्शन मान ही नहीं सकता, क्योंकि इस ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं रखी महिंद्रा ने। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर और लुकिंग की बात करें सभी कंपनी के ट्रैक्टर के लुक को इस ट्रैक्टर ने फेल किया है, मार्केट में इसके नाम भी है। ट्रैक्टर का खर्चा भी, मेंटेनेंस खर्चा काफ़ी कम है, क्योंकि महिंद्रा का जहां नाम आ जाता है वहां पे खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दुनिया की नंबर मतलब इंडिया में नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ही रहती है। मेंटेनेंस खर्चा बिल्कुल कम, काफ़ी काम का ट्रैक्टर है। शानदार फ्रंट महिंद्रा की क्रोम फिनिश के साथ इसमें आपको मिलेगी, जैसे पुराना लुक आता था अर्जुन का वैसे, क्योंकि महिंद्रा ने इसका लुक बिल्कुल चेंज नहीं किया, क्योंकि ट्रैक्टर का लुक ही किसान भाइयों को कुछ इस तरह से पसंद आया कि ट्रैक्टर की बिल्कुल डिमांड नहीं थी इस ट्रैक्टर का लुक चेंज करने की। फ्रंट टायर की साइज़ की बात करें इस ट्रैक्टर में, आपको फ्रंट टायर का साइज़ जो मिलने वाला 6/16 और 7/5/16 का, आपको दो ऑप्शन रहेगा। फ्रंट आपको जो एक्सल मिलेगा वो एडजस्टेबल है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर पाएंगे। जहाँ पे इसमें आपको देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह भी आपको कवर दिया गया, जिससे आपके इंजन वगैरह दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। ट्रैक्टर की इंजन की बात करूँ, महिंद्रा की सबसे मेन बात, महिंद्रा हर ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर इंजन पावर रखती ही रखती है, मतलब उसकी मेन मोटिव ये होता है 4 सिलेंडर रखना। 575 देख लीजिए, काफ़ी 585 में 4 सिलेंडर रखती है। बाकी कंपनियाँ, कई की कंपनियाँ जो 50 हॉर्स पावर में भी आपको 3 सिलेंडर का ऑप्शन देती है। ट्रैक्टर की लुकिंग भी काफ़ी शानदार है, ब्रांडिंग भी काफ़ी शानदार है, क्रोम फिनिश में नहीं है फिर भी काफ़ी तगड़ी है, मेटेलिक पेंट है जिसे ट्रैक्टर का कलर काफ़ी अट्रैक्टिव बन रहा है। और ट्रैक्टर का लुक की बात करें, काफ़ी बल्की लुक, अगर आप इसकी सीट पे बैठेंगे तो काफ़ी आपका रोबदार लुक आएगा, और रोब की बात नहीं है, काम भी बहुत ट्रैक्टर शानदार करते हैं। 4 सिलेंडर पावर है, बोसेज कंपनी का इनलाइन पंप रहेगा और 50 हॉर्स पावर इसका इंजन कैपेसिटी है। 3054 cc पावर इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाली है 2100 rpm के साथ। और मीटर भी देख लीजिए, काफ़ी डिजाइनिंग डिजिटल मीटर और छोटा स्टेयरिंग, स्टेयरिंग पर आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग बैचिंग मिल जाएगी, यहाँ पर गियर वगैरह। ट्रैक्टर का जो प्लेन प्लेटफॉर्म तो इसमें कह नहीं सकते, पर प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल, मैं अभी बैठा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, एडजस्टेबल सीट है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट भी कर पाएंगे। 2100 rpm मिलने वाली है। वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम रहेगा। एयर फिल्टर की बात करें तो ड्राई टाइप का एयर फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। PTO की हॉर्स पावर की बात करें, 48 हॉर्स पावर की इसमें आपको PTO देखने को मिलेगी। जो इस ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन की बात है, मतलब यहाँ पे चेतावनियाँ वगैरह रख रखी है, आप जो भी आप ट्रैक्टर चलाएं तो इसको पढ़ के जरूर चलाएं, काफ़ी कंपनी ने शानदार इसमें आपको दी होती है सब चीज़, आपको ट्रैक्टर के बारे में चेतावनी वगैरह तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेट इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मैक्स PTO पावर 33.5 की और 44.9 hp की, जिसमें PTO मतलब 48 के लमसम इसकी PTO पावर आपको पड़ जाती है। ट्रैक्टर में कब किस महीने मना हुआ है, 2022 का ट्रैक्टर है, सब कुछ आपको यहाँ पे चेसी नंबर वगैरह सब मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी मतलब बोनेट खोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी ट्रैक्टर में आपको ये प्लेट अवेलेबल रहती है। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डबल क्लच का आपको ऑप्शन रहेगा। पीछे वाले टायर की साइज़ की बात करें जो आपको मिलता है 14/9/28 और 16/9/28 के अंदर पीछे वाले टायर में आपको ऑप्शन मिलता है। ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर हैं। सोना सीरीज़ का इसमें आपको टायर मिलेगा, जो कि गुडियर के टायर रहेंगे। पीछे के हिस्सा की बात करूँ तो काफ़ी बल्की लुक है ट्रैक्टर का, और पीछे का लिंकेज की मजबूती की बात करूँ, नंबर वन ट्रैक्टर महिंद्रा का मजबूती में, तो मुझे अर्जुन जहाँ नाम आ जाता है तो वहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर काफ़ी शानदार है, मार्केट में काफ़ी नाम है ट्रैक्टर का, इसकी मजबूती, लुकिंग और काम खर्चे में सबसे कम ट्रैक्टर। महिंद्रा के जो ट्रैक्टर रहते हैं उनका खर्चा सबसे पूरे ट्रैक्टर में, कंपनी दावा ठोकती है उसका, कोई दावा कोई फेल भी नहीं कर पाया अभी तक। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, अगर रात को ट्रॉली वगैरह लेके जाओ तो आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले सकते हो और भी किसी काम में। डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहे हैं, जैसे आजकल एडवांस टाइप के इसमें आपको जो इंप्लीमेंट आते हैं, लेज़र, हैरो, मिनी जेसीबी बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, काफ़ी कामयाब ट्रैक्टर है ये। भट्टे के अंदर सबसे काम ये ट्रैक्टर काफ़ी कामयाब रहता है, राजस्थान में हर जगह ऑल ओवर इंडिया में अर्जुन बहुत काफ़ी चलता है, काफ़ी बिकने वाला ट्रैक्टर है। पंजाब में देखें, हर साइड हिमाचल साइड में अर्जुन काफ़ी ट्रैक्टर चलता है, जैसे कई की सीरीज के ट्रैक्टर चलते नहीं हर जगह पर, अर्जुन एक ऐसा ट्रैक्टर जो सभी स्टेट के अंदर दौड़ता है और काफ़ी शानदार तरीके से बिकता भी है। ट्रैक्टर में आपको इसमें ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर ब्रेक मिलेंगे, ट्रैक्टर में पावर और मैकेनिकल का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 6 स्पलाइन की PTO पावर मिलेगी इसमें, जो कि आपको 540 चक्कर rpm मिलेगी। ट्रैक्टर में 65 लीटर का फ्यूल टैंक की बैकअप है। ट्रैक्टर का जो नाम है काफ़ी शानदार नाम रखा है अर्जुन, ट्रैक्टर के ब्रांडिंग के साथ इसका नाम भी काफ़ी सूट कर रहे हैं, और देख लीजिए काफ़ी शांत फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग मिलेगी महिंद्रा की, बैचिंग मिलेगी आपको, जाली मिल रही है जो कि आपको एकदम शानदार रैप फिनिश, इसमें आपको फ्रंट लाइट्स मिल रही है, जो ड्यूल लाइट मिल रही है, जो आपको बोनेट के अंदर वाली साइड में मिलेगी, जो कि रैप आपको दोनों तरफ से लाइट मिल रही है, जो काफ़ी शानदार लग रहा है।
ट्रैक्टर में 2125 mm का व्हील बेस रहेगा और इसकी लिफ्टिंग क्षमता की बात करूं 1850 kg तो इसका कंपनी बताती है, तो जो कंपनी बताती है उससे 200 kg फालतू ही ट्रैक्टर उठा लेते हैं। तो मान लीजिए 1850 kg से लेकर 2200 kg तक तो मैं मान के चलता हूँ इस ट्रैक्टर में कोई दबाव बिल्कुल नहीं आने वाला। और 2WD सेक्टर में आपको ऑप्शन देता है, अगर 4x4 ऑप्शन रहेगा तो वो आता है अर्जुन नोवो की सीरीज में। ये सिंपल अर्जुन है जो अल्ट्रा सीरीज में आता है। अगर आपको 4x4 चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसकी मेरे चैनल पे वीडियो भी आप देख सकते हैं, अर्जुन नोवो 605 DI के MS के नाम से, तो आप जाके मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। और ट्रैक्टर में इसमें आपको वारंटी की बात करें 2000 घंटे और 2 साल की वारंटी आपको इसमें मिलने वाली है। जो अब इसके नोवो सीरीज के ट्रैक्टर हैं कंपनी उसमें आपको 6000 घंटे और 6 साल की वारंटी प्रोवाइड करा के दे रही है, जो कि अभी तक मार्केट में कोई भी कंपनी 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी नहीं दे पा रही। जो महिंद्रा के सारे XP सीरीज वाले ट्रैक्टर हैं, यहाँ पे देख लीजिए रैप फिनिश की लाइट है इसमें, आपको काफ़ी लुक अट्रैक्टिव है। डायनेमिक इस ट्रैक्टर में आपको बोनेट का लुक मिल रहा है, जिसकी 3000 घंटे का 3 साल की वारंटी देती है, पर महिंद्रा एक लौती कंपनी है पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो कि 6000 घंटे और 6 साल की वारंटी दे पा रही है। तो मतलब कुछ तो इस कंपनी में खास है, जब ये इंडिया की नंबर वन ट्रैक्टर कंपनी नहीं है। मुझे पर्सनली अर्जुन काफ़ी शानदार लगता है ये ट्रैक्टर, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आपको मिल रहे हैं और काफ़ी कामयाब ट्रैक्टर है। MKM इस ट्रैक्टर में बैचिंग रहती है, जैसे माइलेज का मास्टर ट्रैक्टर, वाकई में आप माने तो माइलेज का मास्टर है। जिसके पास भी अर्जुन है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।